अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप लोग, ठीक कैसे हैं आप लोग? तो जी आज जैसे कि आप लोग सबको पता है आज है इलेक्शन डे और आज जो है सब जानेंगे वोट्स। तो बस जा रहे हैं हम लोग वोट डालते हैं। उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें रखनी हैं, आईडी कार्ड रखना है और वो सब रखना है, पहले वो रखते हैं और फिर जाते हैं। कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और वोट तो वो डाल नहीं सकते। आप किसको वोट डालती हैं वैसे, अगर आप डाल सकती होती तो? पीटीआई। और आप? बिलावल भुट्टो। ताशफीन की हमें चीज़ें ऑटो ट्यून करनी पड़ेंगी, ऑटो ट्यून नहीं म्यूट करनी पड़ेंगी, नहीं बता रहे। इसको ये भी नहीं पता कि जो है वो कौन सी पार्टी में कौन है और बस इसको पार्टियों के नाम है। पीटीआई में कौन है? इमरान खान। ओके। आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड्स रख लिए हों? ताशी नीचे रख के करो, नीचे रखो। तो क्या हो गया, शू पॉलिश करना भी कुछ बुरी बात होती है? ताशी को शर्म आ रही है। खैर अरे अल्लाह नीचे गिर क्या। खैर आप लोग सब वोट दें जाके। वैसे जब तक ये ब्लॉग आएगी तब तक आप लोग सब वोट दे चुके होंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ अगर वोट नहीं दिया तो वोट दें, वोट देना ज़रूरी है। ये हर आवाम की आवाम का के बंदे का बंद कर दिया। थंब पे लगेगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी याद रहता ना कि वोट एक वोट डालना है तो मैं अपनी स्किन बाइटिंग थोड़े दिन के लिए बंद कर देती। अब मैं स्टोरी कैसे डालूँगी इस जूते के साथ? सामने 15 F4 है, वहाँ पर है। लेकिन चेकिंग के हमारा है क्या या नहीं? बहुत हो रहा है। हमें स्लिप बना के दिया और हमें स्कूल जाना है स्लिप के साथ। ऐसे मुझे लग रहा था रश ज़्यादा होगा लेकिन रश इतना नहीं है। और ये ताशविन आप क्यों आए हैं? आप वोट देंगे? ताशविन की हाइट छोटी रह गई वरना ताशविन 19 साल का है ना। वोट बाद में डालेंगे, बीच में फ्राइज खा लें। हाँ पागल हो गई है। फ्राइज नहीं, ये बहुत पैदल चल रही है और मैं थक गई। आपको रोल खेलने बहुत मजेगा। ताशविन ने बोला वोट तो मैं डाल नहीं सकता, मैं रोल ही खा लेता हूँ, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि किसने किसको वोट डाला। मुझे लगता है नहीं पूछना चाहिए। और फिर जब जब पता चल जाए कि किसने किसको डाला तो वो फिर जज भी करते हैं दूसरे को, तुमने इसको डाला, ये पूछना चाहिए। एंड वी आर डन विद द वोट। कैसे लग रहे हैं? नाइस। ऐसा वे उन्होंने फ़ोन ले जाने के लिए अंदर मना कर दिया था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर सकी। और ताशविन भाई बाहर बैठे हुए थे कब से, बहुत देर लगी, आधा घंटा लगा है वोट देने में और वो सारे प्रोसेस में। और अंदर फिर लड़ाइयाँ भी हो गई थी क्योंकि कोई फ़ोन लेके आ गया था। और तो थैंक गॉड मैं बच गई। बाय द वे इट्स माय फर्स्ट एवर वोट। मैं नहीं खाती ये सब। प्राइस खा लो, प्राइस खा लो। नहीं वो बेचारा आया, कुछ तो उसका फ़ायदा हुआ नहीं का। अदरवे जिसने वोट नहीं दिया उनके लिए ये पैगाम है कि यू गाइस हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज, यू गाइस हैव नो राइट टू कंप्लेन टिल दी नेक्स्ट इलेक्शंस कि गवर्नमेंट में ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्योंकि आपने तो वोट दिया नहीं। ठीक है, ये सब उनके लिए बनाता है। दूसरे कहना कि हम तुम्हें लेके जाएंगे। इंसान बल्ले का नहीं है बाय द वे। एक भी अम्मी एक भी वो बल्ले का क्यों नहीं है पीटीआई का। सो दिस कम्स द एंड ऑफ द ब्लॉग। बहुत छोटी सी ब्लॉग थी जो भी वोट देने गए और ये सब थी। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम लोग वोट देकर आ गए हैं और वोट दे दिया है। और अभी जब मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी तो शायद वोटिंग में थोड़ा टाइम हो, तो अगर मुझसे इससे पहले कोई देखे और उसने वोट ना दिया हो तो मैं उससे बहुत जो है वो इंतजार करूँगी कि आप लोग जाएँ, आप लोग वोट दें क्योंकि एवरी वोट मैटर्स। और जो नहीं दे रहे, जिन्होंने ये सोच लिया है कि नहीं देना है इस मुल्क का तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, तो आपका वोट काउंट होगा, वो उनके लिए काम और आसान हो जाएगा। तो फिर आपको कंप्लेन करने का भी कोई हक नहीं है और फिर कोई क्रिटिसाइज़ करने का भी हक नहीं है कि हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो खैर वोट दें, आपका वोट मैटर करता है, आपका वोट काउंट करता है।
तो खैर अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय।